जबलपुर जीआरपी पुलिस द्वारा 19 प्रकरणों में शातिर चोर को पकड़कर पुलिस ने वाहवाही का काम किया है। उसके कटनी, शहडोल और जबलपुर में मिलाकर चोरी की कुल 19 प्रकरण दर्ज हैं। यह गोली की नशे में चोरी किया करता था और उसका आदि हो चुका था। चोर के पास से ट्रेन से चोरी हुए सामान और 50,000 नगद जब्त कर लिए गए हैं। जीआरपी जबलपुर और आरपीएफ जबलपुर के एक संयुक्त चेकिंग दल ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके खिलाफ जीआरपी जबलपुर, जीआरपी कटनी, जीआरपी शहडोल और जबलपुर के थाना कैंट थानों में लगभग 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस चोर के पास से पहले 4 मोबाइल चोरी के किए हुए बरामद हुए। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा 2-3 दिन पहले 9066 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में एक महिला का पर्स चोरी करना स्वीकार किया। इसके साथ ही थाना कैंट क्षेत्र में अभी नवदुर्गों के दौरान हवन जहां चल रहा था, वहां से एक मोबाइल सैमसंग कंपनी का, वो भी चोरी करना स्वीकार किया था, जो सभी इसके पास से बरामद किए गए हैं। इस चोर से हुई पूछताछ के बाद इसके पास से 9066 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में की गई चोरी का माल और मोबाइल, लगभग इसके पास से 50,000 रुपये का मशरूका बरामद किया गया है। इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम पृथक से कर रहे हैं और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इसमें इसके अलावा पूर्व में भी क्या मामले हैं इसके ऊपर? इसके खिलाफ 19 मामले दर्ज हैं, मैंने बताया, जीआरपी कटनी, जीआरपी जबलपुर, जीआरपी शहडोल, शहडोल जिले का धनपुरी थाना और जबलपुर के थाना कैंट में इसके खिलाफ सब मिला के 19 मामले दर्ज हैं। क्या सर, ये अकेले चोरी करता था कि इसके और भी साथी वगैरह? अभी तक की पूछताछ में तो यही जाहिर हुआ है कि अकेला नशे में विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, तो जो गोली का नशा करता है नाइट्रोवेट टैबलेट खाने के बाद, ये उसके नशे में चोरी करता है और उसका आदि हो चुका है। क्या न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।